मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गीडा में लगे ज्ञान डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट में हर दिन 5 लाख लीटर दूध की खपत होगी। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गीडा में प्लांट लगने से लोगों को रोजगार मिलेगा, इसके साथ ही क्षेत्र का भी विकास होगा। गोरखपुर बस्ती मंडल के करीब 1 लाख पशुपालकों को भी अपना दूध बेचने के लिए नई मार्केट उपलब्ध होगी। बीटी रावत के पास ज्ञान डेयरी का प्लांट लगा है। इस प्लांट में दूध व दूध से बने अन्य प्रोडक्ट बनेंगे। सीएम योगी ने कहा कि गीडा में दूध का प्लांट लगने से 1 लाख परिवारों को अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यह निवेश ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार और नौकरी लेकर आया है, साथ ही साथ विकास की एक नई बहार भी लेकर आया है। सरकार व्यवसाय की सुगमता और सुरक्षा दे रही है, उद्योग लगाने के लिए इंसेंटिव भी दे रही है। इस दौरान सदर सांसद रवि किशन शुक्ला व सजनवा विधानसभा के विधायक प्रदीप शुक्ला ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, चिल्लूपार विधायक राजेश त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रक्षा की प्राचीन परंपरा के साथ उद्यमशीलता का नया कदम था इस नगरी में देखने को मिलता है। इसकी प्रेरणा है गांवों से प्रेम करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। माननीय मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित गौशाला में गायों के साथ नियमित समय बिताते हैं। डबल इंजन की सरकार गौ वंश के प्रति इस प्रेम को आम लोगों के बीच लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। डेयरी उद्योग को मजबूत करना मोदी सरकार की प्राथमिकताओं का महत्वपूर्ण अंग है। यूपी आज देश का सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य तो है ही, सोच को माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की गौ वंश नीति में बड़ा स्थान दिया है। अवैध स्लॉटर हाउस पर प्रतिबंध लगाने वाला गोवंश संरक्षण एक्ट लागू हुआ। गोवंशों की जियो टैगिंग शुरू हुई। गौ पालन को किसानों की आर्थिक समृद्धि से भी जोड़ा गया। गोरखपुर और आसपास के जिलों के पशुपालकों को एक नया उपहार भी मिलने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में 114 करोड़ की लागत से निर्मित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परियोजना का लोकार्पण कर रहे हैं। इसके तहत 5,000 दुग्ध कलेक्शन सेंटर्स के जरिए 1 लाख पशुपालकों से अनुबंध कर दूध का संग्रह किया जाएगा। इस प्लांट में प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण होगा। इस परियोजना से 1,800 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मिशन रोजगार को मजबूती मिलेगी। पशुपालकों को उपहार डबल इंजन की सरकार। एवं अभिनंदन माननीय सांसद महोदय, साथ ही साथ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मंचासीन समस्त अतिथिगण का। सर्वप्रथम हम सभी स्वागत के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री गणनगर से गांव मजीसा से लीलावती जी, वाइफ ऑफ श्री शोभा राम जी अम्बेडकर नगर से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए इसी क्रम में श्रीमती रीता यादव है। लगभग 2 लाख दुग्ध उत्पादक कृषक परिवार, उनसे हम लोग दुग्ध संग्रह करते हैं। उत्पादक कृषक बंधु से लाभान्वित होंगे तथा आम जनमानस को शुद्ध एवं ताजा दूध एवं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से सम्मानित होते हुए सादर धन्यवाद महोदय। क्योंकि हमारे पितृतुल्य हैं और क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष। आज उद्घाटन समारोह में आए हुए समस्त अतिथियों एवं क्षेत्रवासियों को मैं अवगत कराना चाहता हूं। अंदर जमीन मिलना गीडा के समस्त के प्रत्येक विभाग गीडा और प्रत्येक विभाग से आए हुए हमारे कृषक बंधु, ज्ञान डेयरी की टीम, मीडिया से आए हुए लोग भाई, जय माता दी। निष्पादित किया है 20 टन प्रतिदिन क्षमता का ऑटोमेटिक खोया प्लांट, जो कि आज पूरे ज्ञान परिवार के लिए बहुत गर्व का क्षण है कि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के द्वारा अपने कर इन समस्त कार्यों के लिए मैं ज्ञान डेयरी परिवार की तरफ से माननीय अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों,
आप सबको शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई और इस अवसर पर एक नया उपहार पूर्वांचल वासियों को ज्ञान डेयरी के इस सीपी मिल्क एंड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के रूप में यहां प्राप्त हो रहा है। इसके लिए ज्ञान डेयरी परिवार को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि यहां पे बताया गया कि लगभग 5 लाख लीटर दूध की आवश्यकता इस डेयरी में पड़ेगी। 5 लाख लीटर दूध का मतलब 1 लाख परिवारों को अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। डेयरी में प्रत्यक्ष रूप से 300 लोगों को नौकरी मिलेगी और 1500 अन्य लोग होंगे जो व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे। एक प्रोजेक्ट इतने ज्यादा लोगों को जोड़ पाएगी। भारत जैसे कृषि प्रधान व्यवस्था के साथ हमारे अन्नदाता किसानों और पशुपालकों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य करेगी। डेयरी सेक्टर उसका एक महत्वपूर्ण माध्यम है और ज्ञान डेयरी ने अपना ये अत्याधुनिक प्लांट सीपी मिल्क प्रोडक्ट्स के रूप में गोरखपुर में यह प्लांट लगाया है और आज इसका उद्घाटन हो रहा है। स्वाभाविक रूप से दूध और दूध से बने हुए उत्पाद दही घी बटर या अन्य जो भी प्रोडक्ट हो सकते हैं ये सभी यहां से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए मैं ज्ञान डेयरी परिवार को सहजनवा और गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा गीता में एक बौछार सी आई है निवेश की। पहले गैलेंट का, फिर अंकुर टीएमएक्स का, फिर वरुण बेवरेज का, पेप्सिको का जो प्लांट लग रहा है, फिर केयान इंडस्ट्रीज का, फिर तत्वा प्लास्टिक का। ये लगातार ये निवेश नया हुआ है। ये निवेश ढेर सारे रोजगार और नौकरी को लेकर के भी आया है, साथ साथ विकास की एक नई बहार भी लेकर के आया है। जो क्षेत्र पहले बंजर रहता था, अव्यवस्था का शिकार होता था, जहां फसल नाम मात्र की हो पाती थी, आज वहां पर बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिल रही है, महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है और साथ साथ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके हम उत्तर प्रदेश के विकास को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। यह उद्योग उसका एक प्रतीक के रूप में हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, आज से 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के हालात नहीं थे, स्थितियां कठिन थी, कानून व्यवस्था की हालत बदतर थी, दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी और उन स्थितियों में कोई भी निवेशक प्रदेश में निवेश करने को तैयार नहीं था, क्योंकि जिन उद्यमियों ने पहले से अपना निवेश किया था जब वे ही सुरक्षित नहीं थे तो नया निवेश कहां से आता, जो थे वही प्लान कर रहे थे। लेकिन आज पिछले 6 वर्ष के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति ने व्यवसाय की सुगमता के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो रिफॉर्म चाहिए थे उन सबको करने के उपरांत आज जब सरकार ने निवेश का सरलीकरण करने का प्रयास किया,
युवाओं को पीएम स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ जोड़ करके उनको विकास के साथ टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का कार्य किया, आज उसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। आपने फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट को देखा होगा। ये इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में अब तक इस वर्ष हमें 38 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। भाइयों बहनों, 38 लाख करोड़ का मतलब आप जानते होंगे, 1 करोड़ 10 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। आप सोचिए, जो नौजवान पहले नौकरी के लिए मुंबई जाता था, पंजाब जाता था, बेंगलुरु जाता था, हैदराबाद जाता था, चेन्नई जाता था, कोलकाता जाता था, आज उसको वहां जाने की आवश्यकता नहीं। आज हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा को उत्तर प्रदेश के विकास के साथ जोड़ करके जब वो यहीं लगाएगा, उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे तेजी के साथ बढ़ रहा है। नौकरी और रोजगार की गारंटी सबको मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए उन्हें उस रूप में पारंगत करना यह महत्वपूर्ण है। और उसी प्रक्रिया को जोड़ने के लिए ही आज यहां पर मैं फिर एक बार आया हूं। यहां पर हमारा प्रयास होना चाहिए। मैंने जिला प्रशासन से भी कहा है, पहले भी कहा है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है और उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुसार आईटीआई को, पॉलिटेक्निक को, यहां के डिग्री कॉलेजेस को, उस प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्सेज के साथ, डिप्लोमा कोर्सेज के साथ जोड़ करके फिर उन नौजवानों को अगर हम उस रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, इसमें सरकार के द्वारा चलाए जाने वाली स्कीम का भी लाभ लेते हैं, तो उद्योग पर भी भार कम पड़ेगा, योजना भी सफल होगी और साथ साथ हमारा नौजवान नौकरी और रोजगार पाकर के परिवार खुशहाल होगा तो समाज खुशहाल होगा, समाज खुशहाल होगा तो प्रदेश और देश समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। यह उसी की श्रृंखला है, वही प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है और उसी प्रयास की श्रृंखला में आज हम सब यहां पर आए हैं। यहां पर सीपी मिल्क प्रोडक्ट्स के ज्ञान डेयरी के इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आज यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, यहां पे तो डेयरी लग रही है, दूध तो खरीदा जाएगा, अब इसके बाद नंबर आएगा कि 1 लाख परिवारों में गाय और भैंस आ जाए। इसके लिए उन्नत नस्ल के गाय और भैंस को रखना। आप सोचिए, दूध का फैट के हिसाब से पैसा मिलेगा और 53 रुपए के हिसाब से डेयरी दूध ले रही है, 53 रुपए लीटर के हिसाब से, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी के साथ कोई देगा, ये लोग दूध खरीदेंगे और उसको खरीदने के बाद फिर उस दूध को दूध के रूप में पैकिंग करेंगे, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाएंगे, तो 1 लाख परिवार सीधे सीधे रोजगार के साथ जुड़ेगा। दूसरा, उन गाय और भैंस के लिए अच्छा पौष्टिक आहार मिले, इसका भी उद्योग लगेगा, उसके लिए किसान की उपज को भी ये लोग खरीदेंगे, भूसा है, धान है, जौ है, मकई है, सरसों है, गन्ना है, और भी जो चीजें हो सकती हैं, इन सबको खरीदेंगे, उसका भी दाम किसान को अच्छा मिलेगा। और साथ साथ नौजवानों को जहां पर इनका फीड का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्शन होगा, वहां पर भी लोगों को नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं बनेंगी। यानी एक साथ एक उद्योग लग रहा है तो अपने साथ अगल बगल अन्य कैसे उद्योगों को अपने साथ जोड़ करके एक चेन बना रहा है जो उद्योग की एक नई श्रृंखला को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। लेकिन इसके लिए हम सबको भी सकारात्मक होना पड़ेगा। विकास में बाधक बनने की बजाय
बाधक हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं, अराजकता फैलाते हैं, उन लोगों को से सावधान रहते हुए हमें उद्योग को चलने देना चाहिए। व्यवसाय की सुगमता सरकार दे रही है, सुरक्षा सरकार दे रही है, उद्योग लगाने के लिए सरकार इंसेंटिव भी दे रही है। निवेशक निवेश कर रहा है, यूथ को ट्रेनिंग के साथ जोड़ रहा है, कौशल विकास के साथ जोड़ रहा है, तो समाज की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम भी एक सकारात्मक भाव के साथ इस प्रकार के निवेश का स्वागत करें। और आज तो सहजनवा, जिसके बारे में लोग कहते थे कि विकास नहीं हो सकता वहां पे, आज यहां पे अभी पिछले दिनों में तत्वा प्लास्टिक के शिलान्यास के उद्घाटन कार्यक्रम में आया था, इससे पहले क्योन डिस्टिलरीज के शिलान्यास में आया था, और आज ज्ञान डेयरी के अत्याधुनिक प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं आया हूं। आज के इस अवसर पर यहां पर तेजी के साथ औद्योगिक निवेश के वातावरण को हम और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ। आज जो गोरखपुर में ढेर सारी संभावनाएं बनी है विकास की, निवेश की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो इसके साथ ही बहुत सारी संभावनाएं बन गई। गीड़ा का विस्तार हो रहा है, जो गीड़ा पहले यहां पर सैजनवा के कुछ गांवों तक सीमित था, आज हम इसका विस्तार करते करते धूलिया पार तक लेके जा रहे हैं। आप सोचिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, और इस लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ उसके दोनों तरफ उद्योग लगेंगे, तो यह उद्योग ढेर सारी नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। एक कार्य जो प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ सदैव बनाए रखना पड़ेगा, एक कि किसी भी स्थिति में किसी भी उद्यमी को कोई संकट न हो, कोई कष्ट न हो, इस पर ध्यान देना, लेकिन साथ साथ स्थानीय युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। दूसरा, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना अच्छा हम दे पाएंगे, बुनियादी सुविधाएं वहां पे, यूरिनल है, टॉयलेट की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, अन्य जो बुनियादी सुविधाएं हो सकती हैं, ये इंडस्ट्री के साथ मिलकर के हम सबको इसको और बेहतर बनाना चाहिए। ज्ञान डेयरी को इस नए प्रोजेक्ट के लिए हृदय से बधाई। सहजनवा और गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को इस डेयरी के प्राप्त होने पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। सब लोगों के हमारे पूज्य महाराज जी खातिर गड़गड़ा के ताली आखिरी से लेके यहां तक लगे के चाहिए महाराज जी की भैया हो। जब सौगात मिला लाए को सोच एक विजन, तो उसका रिजल्ट ये होता है। ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी के ये देश में आज हमारे माननीय विधायक जी इतना सुंदर अपन शब्दों से उनकर बयां कहीं ना, ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन महाराज जी अभिनंदन। इस सोच को प्रणाम की इस जगह को आप स्वर्ग बना दिए। ये बंजर जमीन थी, यहां बूचर खाना आप लोगों से कुछ छिपा नहीं, कैसे उससे आजाद करवाए, और आज यहां पे देखिए हर जगह बड़ा बड़ा प्लांट लगाता हो, फैंटास्टिक बिजनेस क्या बनने वाला था, और महाराज जी ने कैसे गलत लोगों से, भ्रष्टाचारी लोगों से छुड़वा के जमीन आज सजनवा की जनता को आज रोजगार, इतना बड़ा रोजगार, बहुत बड़ा रोजगार दिया। मैं प्रणाम करता हूं महाराज जी। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी माननीय महापौर नगर निगम, स्वागत आपके। श्रीमती साधना सिंह जी माननीय जिला अध्यक्ष जिला पंचायत, स्वागत आपके। श्री धर्मेंद्र सिंह जी जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष वर्ण माननीय विधान परिषद सदस्य, स्वागत बा। राजेश त्रिपाठी जी आयल वाड़न, उनका गोड़ टूटा है तबो वही ना कहां तुड़ो वही यो
बता दिया सन को गीडा को एवरीबॉडी आप लोग को बहुत स्वागत कि पूज्य महाराज जी का जो बहुत क्लियर इंडिकेशन बा बड़ा ध्यान से सुनिए हम का बताए जाते हैं महाराज जी का जी ज्ञान डेयरी का एक प्लांट खुला है इसका रीजन और सब बताइब हम कि क्या लेकर बस सोच भा और कहां सहजनवा और अगल बगल का गांव पीछे गए अभी कहीं नुकसान हो रहा है तो सहजनवा से हो रहा है वो कैसे हम बताइब आप लोगों के तो ये महाराज जी के जो सोच रहे कि पहले अगर प्रदेश को बढ़ाना है तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना $1 trillion करना है $5 trillion यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है भारत के लिए तो $1 trillion की जिम्मेदारी पूज्य महाराज जी ने ली तो लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने पहले कंट्रोल किया लॉ एंड ऑर्डर जब कंट्रोल होता बहन बेटी की सुरक्षा आपकी सुरक्षा उद्योगपति की छोटा धंधा बड़ा प्लांट बड़ी इंडस्ट्री सबको वहीं पर वो लोग जाते हैं इंडस्ट्रीज लोग एक सोचते हैं कि वाह अरे लेट्स गो टू यूपी लेट्स गो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है कोई रंगदारी नहीं वसूल करेगा कोई लोकल गुंडा नहीं आएगा कोई ये नहीं होगा कोई जमीन नहीं छेकेगा कोई परेशान नहीं करेगा कोई आके हमारे छाती पे नहीं बैठेगा बंदूक नहीं रखेगा तो वहां पर हर इंडस्ट्री पूरे इंडिया की इंडस्ट्री वर्ल्ड की इंडस्ट्री वहीं जाके प्लांट लगाती जहां पहले सुरक्षा व्यवस्था मिलती है महाराज जी ने उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग काम किया कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कोई समझौता नहीं कानून व्यवस्था में महाराज जी कोई समझौता नहीं करते अन्याय कोई किया तुरंत उसको जेल में डालो तुरंत पहला शब्द महाराज जी का एफआईआर करो जेल में डालो कहीं पर भी कोई समझौता नहीं और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में 34,00,000 करोड़ रुपया जो अभी पिछला महाराज जी ने पूरा एक बड़ा सा एक का कहा जाना महाराज जी के कार है जो 34,00,000 करोड़ आई वहर से इन्वेस्टमेंट समिट जो था इन्वेस्टर समिट में 34,00,000 करोड़ रुपया आया और वो आप रिजल्ट देख रहे हैं अब ये प्लांट जो लगल बा 112 करोड़ का ये प्लांट का जान ले थोड़ा हम भोजपुरी में समझाएं भोजपुरी में समझाएं कि हिंदी में हो कौन भाषा में भोजपुरी में ठीक बा तो भोजपुरी में समझ ला कुल माई बहन लोग बच्चा लोग बाबा लोग किसान लोग गरीब गुरबा मजदूर लोग सब लोग जान लो सजनवा में अभी अटल आवास विद्यालय बनल बा मजदूर बच्चा लोग अभी 80 बच्चे का एडमिशन हो गया आप लोग कृपया अपने बच्चों को पहले तो वहां डाल दें मुफ्त में निशुल्क अटल आवास विद्यालय बना है महाविद्यालय 18 बनाए हैं महाराज जी कुल प्रदेश में खासकर मजदूर के बच्चों के लिए एक रुपया नहीं लगेगा तो पहला काम शुभ काम आप लोग नवरात्र में यह करिया अपने बच्चे को वहां डाल दीजिए कक्षा 6 से लेके 12 तक और देखिएगा वो आईएएस आईपीएस और मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी का नारा है कि मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा तो ये काम कर लिया अब दूसरी बात ये बा कि ज्ञान जो हम ज्ञान प्लांट लगल बा दूध का दूध उत्पादन में बहुत सुंदर अभी हम देखे पूरा पूज्य महाराज जी के साथे दिखावा तरना इतना इंग्लिश तरीके से काम है क्लीन क्रिस्टल क्लियर बेस्ट ऑफ मशीनरी सब कुछ इतना बढ़िया है इतना सुंदर है ट्रांसपेरेंट है साफ है हाइजीन से एकदम मतलब पूरा ध्यान दिया गया है कि कहीं कोई बीमारी व्यवस्था क्लीन सब कुछ रहे यहां पर अब दिक्कत यह है पूज्य महाराज जी को भी ये बात वो भी जरूर करेंगे कि अभी यहाँ इन लोग की जो कैपेसिटी 5,00,000 लीटर है 8,00,000 लीटर तक जा सकती है 8,00,000 लीटर अभी यहाँ 1,00,000 लीटर का उत्पादन चल रहा है क्योंकि यहाँ पर लोकल क्षेत्र से ना ही मिला था कि वो दूध ना ही लिया होता था तो गाय भैंस जो पाले का कल्चर बंद हो गई बात कहे कि आपके बाजार में 42-43 लीटर रुपया में आप लोग दूध बेचता रहा ये लोग 53 रुपया में देता रहा एम आई राइट 53 रुपया में दे रहे हैं और आप लोग वही 42 रुपया 41 रुपया में आप लोग बाजार में बेचता 53 रुपया देता रहा। तो 53 रुपया लीटर जब यहां है और इनको चाहिए 5,00,000 लीटर अभी इनके पास कैपेसिटी 70-80,000 लीटर 1,00,000 तक जा रहा है कहे कि इनके दूध नहीं के मिलत हमारे ग्रामीण लोग जो 5,00,000 लीटर दूध रोज यहां दे सकते हैं और 53 रुपया लीटर पर तो ये बहुत जरूरी बात जेकरे पास गाय भैंस नहीं खे आज बांधला काल खरीदला हम और ये हंसे वाला बात नहीं हो
ये धंधा वाला बात बा। देखिए कमाना जरूरी है, महाराज जी कहते हैं पैसे से पैसा कमाया जाता है, कमाना जरूरी है, गरीबी नहीं रखना, गरीबी बहुत बड़ी बीमारी है। इसीलिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं सबसे बड़ी जात है भारत में गरीबी। कांग्रेस बोलते चले गए लेकिन कभी गरीबी हटी नहीं, और यही अब भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पूज्य योगी महाराज की, गरीब कोई नहीं रहेगा, भूखा नंगा कोई नहीं रहेगा। आप लोग कृपया गाय भैंस का दूध ही लोगों के ढेर चाहिए तो भैंस पाला 53 रुपया लीटर में यह दूध बिकाई, 5 लाख लीटर दूध चाहिए, 5 लाख लीटर, इससे बड़ा बिजनेस आ ही नहीं सकता था कोई सहजनवा में। सब लोग बम बम हो जाइया हो, बस इतना करा भैंस पाले शुरू करा सब लोग। और यह शब्दों के साथ अब बाकी महाराज जी बताइया कि और काका होता, अनगिनत प्लांट लगाता सब जगह सहजनवा में, तो महाराज जी जब भी सहजनवा का नाम आवला तो महाराज जी का खजाना पूरा खुल जाला, उनके दिल उनके बड़ा प्रेम बा सहजनवा से। अब दोनों हाथ उठा ला, सब लोग आखिरी तक हाथ उठा ला, बोले नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे। हम जान रहे हैं हम भी भूखे हैं, हम भी उपास से हैं, तो ऐसा नहीं होता है, हम भी भूखे हैं, आप लोग नहीं हैं खाली। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे। बोलो गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। दो रोड के लिए जब महाराज जी से बात हुई, डुमरी का रोड खराब था, बड़ई पार में समस्या थी, पूज्य महाराज जी से बात करने के बाद वो भी रोड बन के तैयार हो गया। आज पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद इस सहजनवा विधानसभा में जो जितने विकास हो रहे हैं, जितने रोजगार मिल रहे हैं, आज कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस गीडा में 1 लाख से अधिक लोग यहाँ रोजगार पा रहे हैं, यहाँ के व्यवसाय, यहाँ के लोग, पूरे पूर्वांचल को रोजगार मिल रहा है। और आज यहाँ सबसे अधिक लाभ इस गीडा का यह सहजनवा विधानसभा पा रहा है। आज महाराज जी के 4.5-6 साल में जो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ, आज संपूर्ण भारत का हर राज्य उत्तर प्रदेश मॉडल और योगी मॉडल मांग रहा है। अभी महाराज जी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हम लोग गए, वहां लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्हें मालूम है जब महाराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उस परिवार की बच्ची जब शाम को ग्रामीण अंचल से शहर में ट्यूशन पढ़ने जाएगी और जब शाम को लौटेगी तो प्रदेश जानेगा कि हमारी बेटी सुरक्षित रही है। हमारे उद्योग बंधु जो उद्योग लगा रहे हैं वो हर प्रदेशों में महाराज जी की डिमांड है, प्रदेश के सहित विश्व में कई देश महाराज जी को चाहते हो मेरा नेतृत्व करे, क्योंकि वहां के उद्यमी ये चाहते हैं कि जब मैं उद्योग लगाऊं तो उद्योग लगाने के बाद निश्चिंत होके देश और विदेश में रहूं, उन्हें गारंटी रहेगी कि महाराज जी मुख्यमंत्री हैं तो कोई उनको आंच नहीं आएगी। आज गरीब किसान जितने हमारे योजना से लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, उनका जो पैसा देश और प्रदेश से चल रहा है वह पूरा का पूरा पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है। उन्हें मालूम है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूज्य महाराज जी है, उसमें बिचौलिया पैसा नहीं खा पा रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश के समग्र जो विकास हो रहा है, आज जो उत्तर प्रदेश का 6.5 वर्षों में बदलाव हुआ है, उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है। उस 6.5 साल के पहले जब कभी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कहीं जाता था और गोरखपुर का व्यक्ति कहीं जाता था और जब बताता था तो उसे क्या सम्मान मिलता था वो हर व्यक्ति को मालूम है। आज 2017 के बाद कोई व्यक्ति अगर पूरे भारत में दुनिया में उत्तर प्रदेश का जाता है तो उस आम व्यक्ति को लोग कहते हैं कि ये महाराज जी के प्रदेश से आया है, तो कहीं ना कहीं उस आम व्यक्ति की गणना उसकी महाराज जी से जोड़ा जाता है। कुछ महाराज जी का मैं सहजनवा विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से, सभी जितने हमारे प्रतिनिधि, जितने हमारे ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन, प्रधान, बंधु, क्षेत्र पंचायत सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ पूज्य महाराज जी के द्वारा। आज जो सहजनवा का निरंतर विकास हो रहा है, जितना विकास महाराज जी को दिया जाता है
उससे अधिक आशीर्वाद पूज्य महाराज जी का इस सजनवा विधानसभा में मिलता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।